हिमाचल के एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में प्रवेश पाने के लिए फर्जी फोन से लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमीरपुर पुलिस के पास पहुंची है। एसपी हमीरपुर अर्जित सिंह के अनुसार दिल्ली से कई लोगों को मोबाइल पर फोन करके 10,000 रुपए की डिमांड कर बच्चों को प्रवेश के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जिसकी जाँच में पुलिस जुटी हुई है। हिमाचल के एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में प्रवेश पाने के लिए फर्जी फोन से लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमीरपुर पुलिस के पास पहुंची है। एसपी हमीरपुर अर्जित सेन के अनुसार दिल्ली से कई लोगों को मोबाइल पर फोन करके 10,000 रुपए की डिमांड कर बच्चों के प्रवेश के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जिसकी पुलिस जाँच में जुटी है। फोन पर खुद को खाताधार बताकर बैंक से लाखों रुपए गलत तरीके से ट्रांसफर करवाने का मामला अब इस सुलझने की कगार पर पहुंचा ही था कि अब सैनिक स्कूल में बच्चों की एडमिशन करवाने का प्रलोभन देकर अभिभावकों को ठगने का जाल बुना जा रहा है। मैं दिल्ली से रवि कुमार, मोबाइल नंबर 9748959328 से बात कर रहा हूं। आप मेरे इस अकाउंट नंबर 6420566539 ICFC कोड SBIAN 0008866 में 10,000 जमा करवा दो, आपके बच्चे की सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो जाएगी। कुछ ऐसे फ्रॉड फोन कॉल्स आजकल हिमाचल के उन परिजनों के मोबाइल पर आ रही हैं, जिनके बच्चों ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा दी है। छठी और नौवीं कक्षा के लिए जिन बच्चों ने प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया है, उनके परिजनों के मोबाइल पर इस तरह की एक फ्रॉड कॉल आ रही है। इसमें फोन पर बातचीत करने वाला अपना नाम रवि कुमार बताता है और कहता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। इसके बाद जब उससे बातचीत की जाती है तो वह गारंटी के साथ आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में सिलेक्ट करने की बात करता है, एक अकाउंट नंबर आपके मोबाइल पर भेजता है और ये कहता है कि आप इस अकाउंट में 10,000 रुपए डलवा दो, आपके बच्चे की एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाएगी। उसके जितने नंबर कम होंगे इस राशि के भुगतान के बाद उसके उतने नंबर बढ़ जाएंगे, इसके बाद में वे आसानी से सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हो जाएगा। एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ने बताया कि फर्जी कॉल से बचें, बिना जान पहचान किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ना करें। उनके पास अगर शिकायत पहुंचेगी तो मामले की छानबीन की जाएगी। उन्होंने बताया कि फर्जी कॉल का मामला कांगड़ा जिला में भी दर्ज हुआ है और हमीरपुर पुलिस भी इस तरह के काम में जुटे हुए लोगों की तलाश में जुटी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को अभी ज़रूर मालूम पड़ी है कि जिसमें कहा गया कि सैनिक स्कूल जो सुजानपुर में लोकेटेड है उसके नाम पे कुछ फ़ोन कॉल जो हैं कुछ लोगों को आई हैं, खासकर कांगड़ा एरिया में, जहाँ पे फ़ोन करने वाला ये बोल रहा है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट कोई कुछ पैसे अगर वो डालेंगे तो एडमिशन की वो गारंटी लेने की बात कर रहा है। ये मामला जो है हमारी नॉलेज में अभी रिसेंटली आया, पर इसमें हालांकि कोई कंप्लेंट नहीं हमको मिली है लिखित रूप में। इसमें मैंने जो SHO सुजानपुर है उससे बात की है और उनके माध्यम से हम अपने सैनिक स्कूल के अधिकारियों से भी टच में आएंगे, उनसे बात करेंगे कि क्यों होएगा और किस तरह से ये फ़ोन कॉल जा रही हैं। दूसरा मेरे को ये भी मालूम पड़ा है कि शायद कांगड़ा के किसी पुलिस स्टेशन में भी इसके इस शिकायत के ऊपर एक FIR रजिस्टर्ड है, तो उसका भी हम पता लगा रहे हैं कि ऐसा कोई FIR रजिस्टर्ड है तो उसमें क्या आगे कार्रवाई हो रही है। आपके माध्यम से मैं ये भी लोगों तक कहना चाहूँगा कि इस तरह की किसी भी चीज़ों पर विश्वास ना करें। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के एडमिशन हो रही हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ही दिया जाए तो ठीक है, पैसे दे के एडमिशन करवाना या वो करवाना या उसकी गारंटी लेने वाले व्यक्ति पे आप विश्वास ना करें और इस तरह के झांसे में ना आए। बाकी ये फ़ोन नंबर और डिटेल जो हमारे पास अगर जब आएंगी तो हम भी इसमें इंक्वायरी करने का और कांगड़ा पुलिस के साथ मिल के हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। सैनिक स्कूल सुजानपुर प्राचार्य एवं ग्रुप कैप्टन अमित कुमार पाल की माने तो स्कूल मैनेजमेंट द्वारा ऐसा कोई भी फोन कॉल नहीं करवाई जा रही है। जो लोग इस तरह की कॉल कर रहे हैं और बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाने की बात कर रहे हैं पूरी तरह फ्रॉड हैं। स्कूल प्रशासन तमाम कमेटी इस तरह के फोन कॉल की कोई गारंटी नहीं लेती है। स्कूल मैनेजमेंट द्वारा बाकायदा इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी कर लोगों को सतर्क करने के लिए कहा गया है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है और इस तरह की फ्रॉड कॉल से बचने को कहा है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।